नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो एसी का पानी के बारे में है। एसी का पानी हमें प्लांट में यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो चलिए आज मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, ये मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट है। देखिए कितना घना है ये कड़ी पत्ता का प्लांट। 7 साल से मेरे एक ही पॉट में लगा हुआ है। ये इसकी मिट्टी मैंने कभी चेंज नहीं की, इसकी मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की है। इसमें एसी का पानी, देखिए अभी भी एसी का पानी इसमें गिर रहा है। सीधा एसी का पानी इसी पॉट में गिरता है। मैं कभी भी इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ। जब कभी एसी का पानी बंद रहता है तब मैं लिक्विड फर्टिलाइजर 10-15 दिन में दे देती हूँ। देखिए कितना घना है। इसमें मैंने कई तरह के कटिंग्स लगाई है। ये गुड़हल की कटिंग है, देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। मैंने ट्रम्पेट वाइन की कटिंग भी लगाई है, क्राइसेंथीमम की कटिंग भी मैंने इसमें लगाई है। बहुत अच्छी तरह से सभी कटिंग्स चल पड़ती हैं। स्नेक प्लांट की कटिंग भी मैंने इसमें लगाई है, मोगरे की। एसी का पानी हर पौधे के लिए सही है। मैं अपना हर पौधे में एसी का पानी डालते रहती हूँ। बीच बीच में मैं एक कड़ी पत्ता की कटिंग करते रहती हूँ, पिंचिंग करते रहती हूँ, जिससे ज़्यादा घना हो। देखिए मैंने यहाँ पर पिंचिंग की थी। ये 10 फुट जितनी लंबी है, देखिए कितनी बड़ी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एसी का पानी मेरे हर पौधे के लिए सही है। हो सकता है कहीं कहीं पर क्लाइमेट के हिसाब, सब जगह क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहता है, तो हो सकता है वहाँ के पौधे के लिए एसी का पानी सही नहीं है। मेरे यहाँ तो एसी का पानी सभी पौधे के लिए सही है। ये देखिए 10-12 इंच का गमला है मेरा। ये देखिए कितना हरा भरा है। ये मेरे बालकनी में हमेशा हरा भरा रहता है। ये टर्टल वाइन, स्नेक प्लांट, इसमें भी मैं एसी का पानी डालते रहती हूँ। हो सकता है इंडो प्लांट में एसी का पानी सूट ना हो। ये टर्टल वाइन, ये टेंगल हार्ट है, इसमें भी मैं एसी का पानी डालते रहती हूँ बीच बीच में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।